हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट्स, एज यू नो आवर लेसन 7 कंप्लीट हो चुका है और अब हम उनके क्या कर रहे हैं, उससे उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं. एक्सरसाइज ए और बी हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम करेंगे एक्सरसाइज सी. तो आप हेडिंग देख सकते हो, राइट, यस और नो. आपको यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. इनमें जो सेंटेंस राइट है उनके आगे आपको यस लिखना है और जो सेंटेंस रॉन्ग है उनके आगे आपको नो लिखना है. जैसे फर्स्ट आप रीड कर रहे हो तो क्या है, वी गेट वूल फ्रॉम द शिप, कि हमें जो वूल होता है ना ऊन, वो किससे मिलता है, शिप से मिलता है ना, भेड़ जो होती है. तो ये बात क्या है, राइट है. तो अगर ये राइट है मीन्स ट्रू है तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस, वाई ई एस, यस, कि वी गेट वूल फ्रॉम द शिप, तो ये राइट है. नेक्स्ट आप देख रहे हो, वी वियर ए रेनकोट ड्यूरिंग द रेनी सीजन. हम रेनकोट कब पहनते हैं, रेनी सीजन में पहनते हैं ना, तो ये भी क्या है, राइट है. तो अपन यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, यस. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वी वियर ए रेनकोट ड्यूरिंग द रेनी सीजन. हम रेनकोट कब पहनते हैं, रेनी सीजन में पहनते हैं, तो ये बात राइट बोली गई है. तब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस, वाई ई एस, यस. थर्ड आप देख रहे हो तो, वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन विंटर, कि हम जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो विंटर में पहनते हैं. तो स्टूडेंट ये क्या है, ये बात तो रॉन्ग है. अगर यहाँ पे ये आता, वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, तो क्या होता, ये राइट होता. बट यहाँ पे किसकी स्पेलिंग दी हुई है, विंटर की, मीन्स सर्दियों में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, तो ये बात क्या है, रॉन्ग है ना. तब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे थर्ड में, नो, एन ओ नो, क्योंकि सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, कि वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, तो ये बात गलत है. तब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे. फोर नंबर आप देख रहे हो, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स, कि जो कपड़े होते हैं वो हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं ना उनकी बाइट, मतलब उनसे हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये बात भी क्या है, राइट, यस. तो आप यहाँ पे भी क्या लिखोगे, यस. फिफ्थ नंबर आप देख रहे हो तो क्या है, वूलन क्लॉथ्स कीप अस कूल, वूलन कपड़े जो होते हैं वो हमें ठंडे रखते हैं. जैसे विंटर में आप अब वूलन क्लॉथ्स पहनते हो, मीन्स स्वेटर मफलर ये सब पहनते हो, तो क्या इससे हमें और ठंड मिलती है या फिर हमें वार्म मीन्स गर्मी मिलती है, ताकि हमारी सर्दी रुक जाए और हमें और ज़्यादा सर्दी ना लगे. तो यहाँ पे ये बात क्या लिखी गई है, रॉन्ग, कि वूलन क्लॉथ्स कीप अस कूल, जो वूलन कपड़े होते हैं वो हमें ठंडे रखते हैं. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नो, एन ओ नो. तो स्टूडेंट एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप देख सकते हो फर्स्ट में क्या आएगा, वी गेट वूल फ्रॉम द शिप, तो क्या लिखना है अपन को, यस. वी सेकेंड इज वी वियर ए रेनकोट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यस. थर्ड इज वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन विंटर्स, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, नो. फोर्थ इज क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स, तो ये भी क्या है, यस. फिफ्थ इज वुलन क्लॉथ्स कीप अस कूल, सो फिफ्थ में क्या आएगा, नो. तो स्टूडेंट ये सी नंबर की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, जिसे आप अपनी बुक में करोगे. आपको नोटबुक में नहीं करनी है, ये किस में करनी है, आपको अपनी बुक में करनी है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.